कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राठौर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को देखकर प्रदेश सरकार सकते में है, इसलिए सरकार कांग्रेस की मीटिंग में विधायकों की अनुपस्थिति की खबरों को प्लांट करने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। बीते रोज हुई कांग्रेस की मीटिंग में सभी विधायकों को हाजिर होना जरूरी नहीं था, क्योंकि मीटिंग में रैली के लिए संख्या को ही निर्धारित करना था। विधायक प्रदेश से बाहर थे, इसलिए मीटिंग में भाग नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि मीटिंग में भेजे थे। पार्टी में एकजुटता है और सभी विधायकों ने तय संख्या जुटाने का आश्वासन भी दिया है। कुलदीप सिंह राठौर ने ये बात दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की भारत बचाओ महारैली की तैयारियों को लेकर शिमला में आयोजित पूरे ब्लॉक और जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों की बैठक के दौरान कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 9 दिसंबर से धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश में जिस तरह वर्दी की गुणवत्ता, कानून व्यवस्था की खस्ताहाल और विकास परियोजनाओं के ठप पड़ने के मुद्दे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार से विधानसभा सदन में सवाल पूछेगा। साथ ही सरकार द्वारा आयोजित किए गए इन्वेस्टर मीट को लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल करेगा कि अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में हुआ है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हैदराबाद में रेप और हत्या मामले में आरोपियों को पुलिस ने आत्मरक्षा के चलते मौके पर ढेर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया है, जिसका कांग्रेस समर्थन करती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम AICC का कार्यक्रम है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का कार्यक्रम है, जिसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। और ये कोई विश्वास मत नहीं था कि सारे विधायक आते हैं। और अभी जो है 8 तारीख से सेशन हमारा हो रहा है और हमारे माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, सुजान सिंह पठानिया जी और रायजादा जी सेहत के चलते मीटिंग में नहीं आ पाए। हमारे जो किन्नौर से विधायक हैं जगत सिंह नेगी, उनके भाई की मृत्यु हुई है और बाकी हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो अभी प्रदेश से बाहर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारा प्रतिनिधि आ रहा है और जो भी टारगेट आप हमको देंगे हम उसे पूरा करेंगे। तो आज जितने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आए हैं, तो ये भी सब विधायकों के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस खबर को जानबूझकर, और मैं आक्षेप करना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हुआ है, सरकार के इशारे पे हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतर के आई है, हमने हमारी जो रोष रैलियाँ हैं वो कामयाब रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान है और पत्थर बम जो है फूट रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार के मामले जो है सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जो है, कांग्रेस की जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं खल रही है और इसलिए इस तरह का जो है प्रयास किया जा रहा है। पहले कहा कि 14 तारीख को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भारत बचाओ रैली का नाम दिया जा रहा है। पिछले कल हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है उनसे मेरी चर्चा हुई, पूर्व विधायक और पूर्व पदाधिकारियों को बुलाया गया था और भारी संख्या में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इकट्ठे हुए। और आज हमारे जो पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आज उनकी बैठक हमने बुलाई, क्योंकि अभी जो हमारी कार्यकारिणी है वो भंग है, इसलिए जो है सबके नाम के आगे पूर्व लग रहा है, लेकिन फिर भी हमने सबको बुलाया, उनसे हमारी चर्चा हो रही है। हमारा ये प्रयास है कि हम जो है सबको टारगेट दें। हिमाचल प्रदेश को 1000 कार्यकर्ता लाने का टारगेट दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे लोगों में उत्साह है, मुझे ये लगता है कि ये संख्या जो है बहुत छोटी पड़ने वाली है। हमारा ये जो क्षेत्र दूर दराज का क्षेत्र है, अब लाहौल स्पीति किन्नौर है, वहाँ हिमपात हुआ है, तो निश्चित तौर पे वहाँ से लोग नाम आतर के आएंगे। जो क्षेत्र हमारा जैसे सोलन है, सिरमौर है या ऊना है, वह हम ज़्यादा टारगेट देंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो हमें हिमाचल में 1000 का टारगेट दिया, उससे ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी के लोग दिल्ली पहुँचे। लेकिन प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महंगाई जो है प्रमुख मुद्दा रहने वाली है, और साथ में भ्रष्टाचार
के भी मामले सामने आ रहे हैं। जैसे अभी स्कूल की वर्दियों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बच्चों को जो है सरकार ने जो वर्दियां दी वो बड़ी निम्न कोटि की वर्दियां थी, जो पहली धुलाई में ही उन वर्दियों से रंग निकल रहा था। तो ये घोटाले भी जो है हमारे विधायक जो है विधानसभा में उजागर करें। अगर सरकार जो है साफ सुथरी है, सच्ची है, तो उनको श्वेत पत्र लेके आना चाहिए कि कितने इन्वेस्टर आए, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट का भरोसा देके गए हैं और कितना इसका खर्चा आया है और कहाँ से खर्चा किया गया है। लेकिन सरकार ने जो है उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं समझा कि हमारा जवाब दें। विधानसभा में निश्चित तौर पर जो है ये मामला उठे। ये ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मेरा ये मानना है कि अगर पुलिस ने आत्म रक्षा के चलते जो है इनकाउंटर किया है तो पुलिस को अधिकार है।